अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के ऊपर। फैटी लीवर आजकल हर बंदे का मसला बन चुका है। जिसका भी अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पता ये चलता है कि वो फैटी लीवर का शिकार है। फैटी लीवर है क्या? असल में लीवर के ऊपर जो फैट्स जमना शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं फैटी लीवर। पर क्या करती है फैटी लीवर? बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम इस फैटी लीवर के ऊपर जोर नहीं देंगे तो होगा क्या? ये जो है ना, जो लीवर यानी जिगर जो बाइल डक्ट के थ्रू से बाइल को एक्सक्रीट करता है, वो कम करना शुरू कर देगा। और उससे क्या होगा कि लीवर के जो फंक्शन है उस पे इफ़ेक्ट होगा, और लीवर फंक्शन टेस्ट भी हमारे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फैट लीवर के ऊपर जमना शुरू हो गई है, जो उसके फंक्शन को इफ़ेक्ट करेगी, हमने उसको रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। ये कैसे मुमकिन है? बहुत ही आसान है। आजकल की रिसर्चेस के मुताबिक जो है ना, तीन ऐसे अहम काम हैं जो कि अगर हम करना शुरू कर दें तो हम 50% 2 हफ्ते के अंदर जो है ना, अपने लीवर से फैट्स को रिमूव कर सकते हैं। पर इसके लिए आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपका कंप्लाइंस चाहिए और आपका इरादा चाहिए, ताकि आप इस पर अमल करें और हम जल्द ही फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर की तरफ जा सकें। और ये कैसे मुमकिन है? कीटो डाइट। कीटो डाइट से क्या होगा कि कीटो डाइट से हम बहुत ही जल्द अपने लीवर जो कि हमारा फैटी हो चुका है उसको हम नॉर्मल में कर सकते हैं। अब कीटो डाइट में हम करते क्या हैं? हम जो है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं और हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना शुरू जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? यानी ये रोटी हो गई, चावल हो गया, पकौड़े हो गए, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, क्रीम हो गई, और समोसे हो गए, ऑयल हो गया, जो हम कनोला ऑयल यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनसे क्या होता है? इनसे हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें हमारी सब्जियां आ जाती हैं, फाइबर डाइट्स आ जाती है, होल ग्रेन आ जाता है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। देखिए, हमने पूरा दिन में खाना कितना है, ये जो एक रोटी होती है 30 ग्राम की होती है, और हमने अपनी कैलोरीज को उसी के अंदर अपनी एज और वेट के हिसाब से रखते हुए उतनी ही कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है जो कि रिक्वायर्ड है। और अगर हमारी 30 ग्राम है तो हमने 30 ग्राम के अंदर ही रहना है। अगर हम समोसा पकौड़े ये सब खाएंगे तो हमने समझो बहुत ही ज़्यादा ले लिया। एक रोटी, एक सालन, एक दाल की कौड़ी, ये सब जो है ना हमारी 30 ग्राम के करीब रहती है, यानी 25 to 30 ग्राम तक। तो हमने इसी का ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा की तरफ नहीं जाना। तो सबसे पहले हमने अपना डाइट प्लान करना है, हमने कीटो डाइट को अपनाना है, ताकि हमारी कीटो डाइट्स में से जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, प्रोटीन से खत तक रहे और फैट्स का जो है ना हो। उससे क्या होगा कि लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। जब लाइपोलाइसिस स्टार्ट होता है तो होता क्या है? होता ये है कि जब हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी तो हमारी उसकी जो डिमांड है, तलब है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। और जब ये सब कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज़ मिल नहीं रही, तो हमारी ख्वाहिश भी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली हमारी वेट रिडक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि कीटो डाइट से सबसे पहले जो लीवर के ऊपर की फैट है वो कम होती है, उसके बाद जो है ना हमारी कमर का जो वेस्ट का सर्कम्फेरेंस है वो कम होता है। आप ये मत सोचिए कि 2 हफ्ते के अंदर कीटो डाइट से आपकी जो कमर की पैमाइश है वो कम हो जाएगी। नो नो नेवर। सबसे पहले लीवर का फैट कम होता है और उसके बाद जो है ना आपका वेस्ट का सर्कम्फेरेंस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये आ गया। दूसरा है इंटरमीटेंट फास्टिंग, यानी 12 घंटे की फास्टिंग की, फिर 5 घंटे कुछ खा पी लिया, फिर 12 घंटे की, 17 घंटे की फास्टिंग। इंटरमीटेंट फास्टिंग भी यही रोल अदा करता है जो कि आपने करना है। और थर्ड है इन सब के साथ आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, 30 मिनट की एक्सरसाइज, 30 मिनट की जॉगिंग, ये सब बहुत ही जल्द आपके फैटी लीवर को जो है ना कम करके, रिड्यूस करके उस फैट को नॉर्मल लीवर की तरफ ले आई जाएगी। इससे क्या होगा, आपका फंक्शन भी उस तरीके से प्रॉपर होगा, प्रॉपर तरीके से जो है ना आपका लीवर जो है ना काम करना शुरू हो जाएगा और आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। क्योंकि लीवर का फंक्शन अगर एक दफ़ा ख़राब हो गया तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जो कि सरतान जैसी बीमारी तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर कहीं से आपको हेपेटाइटिस बी, सी,
इस तरह की कोई बीमारी के लायक हो गई और ऊपर से फैटी लिवर भी था, तो फिर जो है ना आपकी लिवर को कोई भी नहीं बचा सकता और जल्द ही आप सिरोसिस और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आजकल जिसका भी वज़न ज़्यादा है, अगर हम उसका स्कैन करवाने जाएँ तो डेफिनेटली उसके जो है ना फैटी लिवर ही वो डायग्नोज होगा। तो हम छोटी सी थोड़ी सी चीज़ों को रद्दोबदल करके, अपनी लाइफ को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ की ओरिएंटेशन लें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करके अपने फैटी लीवर को नॉर्मल लीवर की तरफ लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।